सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बताएंगे जो हमारा ईयरडॉप्स 131 का वोट हमारा जो हमारा ये होता है ईयरफोन, जो हमारा वायरलेस ईयरफोन ब्लूटूथ ईयरफोन होता है, तो इसकी कंप्लेन आई है। जैसे कि इसकी कंप्लेन ये है दोस्तों कि अगर ये हम जैसे इसमें रख देते हैं तो ये चार्ज नहीं होता है, मतलब इसकी यही दिक्कत है। तो इसकी प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के लिए हम एक सोल्यूशन लाए हैं, तो इस वीडियो में पूरा बताएंगे सोल्यूशन इसका, कैसे ठीक किया जाए, कैसे मतलब प्रॉपर चार्ज होगा, कैसे मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ये बताएंगे। अगर वीडियो आप पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ऐसे नई टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारा ईयरबड्स है, तो ईयरबड्स जैसे हमारा ये, इसको मैंने ओपन किया, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर जो लाइट रेड कलर की और ब्लू कलर की लाइट ब्लिंग हो रही है, तो ये लाइट ब्लिंग होती है तो समझो कि मतलब ये चल रहा है आपका, मतलब ये सही है। और अगर नहीं हो रहा है तो ये आप समझ लीजिए जैसे मतलब चार्ज नहीं हुआ है कुछ भी। तो इसको जैसे कि मेरा तो अभी 60-70% हो गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी सही कर दिया था, तो फिर ऐसे मतलब एक लोग का ये दूसरा है क्योंकि मेरा सही है फिलहाल, और ये किसी का और है, मैंने मतलब मुझे दिए कि भाई इसको सही कर दो, तो मैंने इसको सही करने के लिए सोचा वीडियो बना दूँ कि आप लोग की भी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पहली बात तो मैंने बहुत एक वीडियो में बताया है, आप देख लीजिए मेरे चैनल पर, इसकी सारी 2-4 वीडियो पड़ी होंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको रिसेट करने के लिए बताया, जैसे कि आप वर्क नहीं कर रहा, चार्ज हो जाता है बट वर्क नहीं कर रहा, तो आप रिसेट, ये जो बटन है, जो ऊपर वाला बटन है, तो इसको आप ऐसे मतलब होल्ड करके प्रेस करिए, मतलब 2-1 मिनट जैसे प्रेस करिए तो आप ऑटोमेटिक ये रिसेट हो जाएगा। ओपन करने के लिए इसको भी होल्ड करिए एक बार, बस ये ओपन हो जाएगा, आप कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं जैसे कनेक्ट वगैरह नहीं हो रहा। बट इसमें ये बताएंगे कि जैसे कि आपका ये ईयरबड्स जो हमारा है, तो अगर ये चार्ज नहीं हो रहा है, कभी कभी वर्क भी नहीं करता, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कभी कभी ऐसा होता है काफ़ी दिनों 1-2 महीने हो जाते हैं, तो उसमें जो हमारा ये देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारा ये है, तो इसमें मतलब ऐसे वो हो जाता है, इसमें मतलब वर्क नहीं करता ना, तो इसको आप ओपन कर लीजिए। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए मैंने इसको ये निकाल दिया, यहाँ पर आगे वाला निकाल दिया है। इसका निकालने के बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इसको मतलब थोड़ा सा इसको बाहर लाना होगा। बाहर लाने के लिए देख लीजिए, मैं यहाँ पर बाहर निकाल रहा हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पर मैंने बाहर निकाल लिया इसको, ये यहाँ पर हल्के निकाल लिए। इसको निकालने के लिए आपके पास जैसे कि अगर कुछ है, जैसे कि यहाँ पर ब्रश वगैरह कुछ है, तो उसको आपको ऐसे रफ़ कर देना होगा, हल्के से रफ़ करके यहाँ पर, जैसे इसी वजह से चार्ज नहीं होता, जो हमारा ये आगे वाला लगा इसी वजह से चार्ज नहीं होता, तो इसको हल्के ब्रश या किसी से रफ़ कर दीजिए। रफ़ करने के बाद दोनों को रफ़ कर दीजिए, इसके जो दूसरा वाला उसको भी रफ़ करके, और इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद फिर से इसको आप चार्ज लगाएंगे, अगर नहीं चार्ज हो रहा था, नहीं काम कर रहा था, इसको आप मतलब ये जैसे काम तो नहीं करता, जैसे काम करने के लिए रिसेट कर दीजिए, तब काम करने लगा। और अगर ये चार्ज नहीं हो रहा तो आप इसको जैसे लगा ऐसे रफ़ करके लगा दीजिए, आपका चार्ज होने लगेगा। सो दोस्तों इस वीडियो में यही सॉल्यूशन बताए थे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना दोस्तों। बाय बाय, टाटा।